भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये भी समझाया कि सभी मनुष्यों के हृदय में भगवान विराजमान हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मयन सर्वभूतानि यंत्ररूढानि मायाया। यंत्र पर आरूढ़ जैसे किसी चीज को घुमा दिया जाए, ऐसे माया से भगवान सारी दुनिया को घुमाते हैं, लेकिन हैं सबके हृदय प्रदेश में, हृदय में भगवान विराजमान हैं। तो मतलब ये हुआ कि सबके हृदय में परमात्मा विराजमान हैं और हम सब ढूंढने के लिए पूरी दुनिया में उनको जाते हैं, और सभी लोगों के अंदर एक खास बात होती है कि सब लोग अपने अंदर के आनंद को खोजते हैं, अपने प्रेम को, अपनी शांति को, अपने आनंद को, अपने चैन को, अपनी पूर्ण शक्ति को हम लोग खोजने की कोशिश करते हैं, और इसी को ईश्वर की विभूति कहा जाता है। भगवान का जो ऐश्वर्य है वो यही है। ईश्वर के ऐश्वर्य से आप जुड़ जाएं तो वो ऐश्वर्य यही है कि आपके अंदर वह अनंत प्रेम उतर आए। आप जिसको बांट रहे हो वो बदले में आपकी तरफ लौटने लगे, आपके रिश्तों से आप अपना प्रेम उन्हें दे रहे हैं, उनसे प्रेम आपको मिल रहा है, तो प्रेम का फुवारा बन जाए जो उछल रहा है। ऐसी शांति जहां आप जीते हैं वहां प्रेमपूर्ण व्यक्ति और भक्ति हृदय व्यक्ति वो परमात्मा का शांति दूत होता है, अपने अंदर की शांति को चारों तरफ फैला रहा होता है, स्वयं शांत रहेगा, दूसरों को शांत करेगा, और फिर वो शांति लौट लौट कर उस तक आती है। ये परमात्मा की विभूति है, उसका ऐश्वर्य है। ये जिस पर ये ऐश्वर्य भगवान लुटाता है उस आदमी को आप देखोगे शांति से भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है, अपने प्रेम को चारों तरफ फैला रहा है। जैसे किसी वृक्ष में फूल आ जाए तो सुबह भी, शाम भी, दोपहर भी, आंधी में भी, बरसात में भी उसके फूल झड़ते रहते हैं। और वो ये नहीं देखते कि लेने वाला कौन है, हमारे आश्रम में गौशाला के तीन खंड हैं, उनमें जो गीर गौवे हैं उनके पास जो पेड़ लगे हुए हैं उनसे फूल झड़कर नीचे लाल लाल फूल नीचे फैल जाते हैं। जब हम लोगों के जाने का अवसर आता है तो वो गौवें, द्वार खुलता है तो वो भागती हुई आती है एक साथ, और जैसे वो देख लेती है ना कि कोई आ गए हैं तो ये कुछ देंगे तो उनके पास जाती हैं, लेकिन अगर वो फूल गिरे हुए देख लें तो पहले वहां जाएंगे, उनको सूंघेगी और फिर इतने प्यार में आ जाती हैं कि उनको खाने लग जाती हैं। और फिर जब ऊपर से कुछ और फूल गिर रहे होते हैं, कुछ उनके ऊपर गिर रहे हैं, कुछ नीचे गिर गए,
तब एक चीज समझ में आती है कि कोई लेने वाला है या नहीं है। फूल तो झड़ रहे हैं लेकिन आनंद तब बनता है कि जब नीचे कोई लेने वाला भी साथ में हो, और वो आनंद तब देखने में आता है कि जब ऊपर से गिर रहे हैं और कोई गऊ ऊपर से ही मुंह ऐसे करके पकड़ रही हो। आप प्यार दे रहे हैं और आपके प्यार को समझने वाले हों घर में, उस समय का आनंद अलग होता है। व्यक्ति की जिंदगी का ऐश्वर्य है ये कि वो आनंद से खिला हुआ हो, आनंद फैला रहा हो और आनंद उसकी तरफ लौट के आ रहा हो, लोग उसको समझते हो। वो सहयोग और सहानुभूति दर्शा रहा है, दूसरे भी उसको समझते हो, उससे जुड़े रहे। लेकिन अगर कोई नहीं भी समझता है तो भी आप जैसे पेड़ फूल बरसा रहे हैं, जैसे बादल अपना मेह बरसा रहा है, जैसे नदियां लगातार अपना जल फैला रही हैं, बहा रही हैं, कोई लेने वाला है या नहीं है। गंगा के किनारे जब कार्यक्रम होता है, हम लोग वर्ष में एक कार्यक्रम ऋषिकेश में करते हैं और वो कार्तिक पूर्णिमा पर होता है। तो जैसे ध्यान में बैठते हैं सब लोग, तो उस समय सबसे पहला शब्द ये बोला जाता है, एक दिन आपके तन का अवशेष इस गंगा में मिलने के लिए आएगा और आपका अपना कोई पात्र में लेकर आएगा उसको, आपकी आखिरी निशानी। इस गंगा में मिलाने के लिए, यहां समर्पित करने के लिए आपका अपना कोई एक छोटे से बर्तन में लेकर आएगा। तो ये तन तो यहां मिल जाएगा इस गंगा से, लेकिन गंगाधर से आपकी आत्मा मिल सके उसके लिए आपको यहां बुलाया गया है कि आप बैठो और ध्यान करो, अपने मालिक को याद करो, कि आपका हृदय भगवान से जुड़ जाए, आपकी आत्मा उससे जुड़ जाए। चिता जलने से पहले तुम्हारा चैतन्य परम चैतन्य से, परमात्मा से मिल जाए, उसके लिए निमंत्रण दिया गया है। इसलिए कोई कसर बाकी न छोड़ना, अपनी गलतियों पर भी आंसू बहा लेना, नए सिरे से शुरुआत करने की तैयारी कर लेना, जो नियम अब तक नहीं चलते थे अब वो पक्का कर लेना। लापरवाही के लिए प्रकृति में कहीं भी जगह नहीं है, तो अपनी लापरवाहियों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाना। तो जब बैठते हैं तो जिनके हृदय को छू जाए वो तो तैयार हो जाते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि इस बार जो मिला पहले नहीं मिला। क्योंकि जब भी आप पात्र बन जाते हैं, आपका पात्र भर दिया जाता है। इसलिए मैं फिर आपको वहीं लेकर चलता हूं कि भगवान श्री कृष्ण 18वें अध्याय में ये जो समझाया आपको कि तुम प्रभु प्राप्ति के लिए कब समर्थ हो पाओगे, कि सबसे पहले अपनी बुद्धि को शुद्ध करो, बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्यच शब्दादीन विषयांश त्यक्त्वा राग द्वेषो विदुष्यच। पहली शर्त कही कि बुद्धि को शुद्ध बनाए रखना, सात्विक प्रज्ञा, लक्ष्य की ओर चलने वाली बुद्धि, जिसकी बुद्धि लक्ष्य की ओर कर्तव्य की ओर चलने लग जाए वो एक एक क्षण का उपयोग करेगा। जिसकी बुद्धि विकृत हो गई खुद भी लक्ष्य छोड़ बैठेगा, टारगेट की तरफ नहीं जाएगा, दूसरों को भी काम करने नहीं देगा। ऐसे लोग जीवन में खुद भी फेल रहते हैं और दूसरों को भी फेल बनाने में
असफल करने में अपने बुद्धि का प्रयोग करेंगे। और जिन्होंने किसी व्यसन में या किसी नशे में अपने आप को एडिक्ट कर लिया का वो भी गए, क्योंकि तब बुद्धि भ्रमित रहेगी। और जिनके संगति ठीक नहीं है उनकी बुद्धि भी खराब होगी, और जिनके सलाहकार गलत हैं उनका भी काम खराब है। इसलिए चुनो कि तुम्हारा सलाहकार कौन हो। और उनकी भी बुद्धि गड़बड़ होती है जो प्रेरणा नहीं लेते, आलसी होते हैं, प्रेरणा लेने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि हर रोज अपने आप को तेजस्वी बनाना होता है। निस्तेज तो आप अपने आप होते जाते हैं, जंग तो अपने आप लगता है, प्रमाद अपने आप आएगा, आलस्य अपने आप आएगा। स्वयं को ऊपर उठाने के लिए चेष्टा करनी होती है। रोज अपने आप को धार लगाइए। धार लगाना है, तीखापन लाना है, पढ़िए, सीखिए, जानिए, आत्मविश्लेषण करिए, एकांत में बैठकर चिंतन कीजिए, अपनी गलतियों से अपने आप को डांटिए और अपनी अच्छाइयों के लिए खुद को सराहिए। और सबसे बड़ी बात, सुबह सुबह शीशे के सामने खड़े होकर खुद को गले लगाइए। सबसे पहले अपने आप को खुद ही ऐसे करिए कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम अच्छे हो, तुम परमात्मा के बनाए हुए एक प्यारे बच्चे हो और दुनिया में बहुत कुछ करने के लिए आए हो। और खुद को कहना कि तुम्हारी मुस्कुराहट अच्छी है, बरकरार रखना, तुम शांत होते तो अच्छे लगते हो, तुम मर्यादा में चलते हो तो तुम कीमती बन जाते हो, तुम्हें आज फिर एक सौभाग्य का दिन दिया है, इसका ठीक से उपयोग करो। आओ आज की यात्रा पर चलते हैं। खुद से बोल के देखिए आप, इतना जल्दी में सुबह सुबह होते हैं, इतनी सारी चिंताएं सोचते सोचते आप अपने से तो बात कर ही नहीं पाते। तो शुद्ध बुद्धि सबसे पहले, धृत्यात्मानं नियम्य च, धैर्य पूर्वक नियमन करते हुए चलना, इंद्रियों का नियमन, नियंत्रण। हर दिन ये देखिए कि मैं अपने आप को कितना संभालता हूं। पहले से बेटर हुआ हूं, अब जल्दबाजी नहीं है, अब आलस्य पर भी कंट्रोल है, गुस्सा भी मैं संभाल पाता हूं और जल्दी से खुद को ठीक कर लेता हूं। पहले से अधिक धैर्य आया। ये सब वो चीजें हैं जो आपकी आत्मा को सशक्त बनाती हैं, और आपकी आत्मा तेजस्वी बनती है तो एक जन्म नहीं अगले जन्मों तक के लिए आपके लिए वो आत्मा काम आएगी, क्योंकि आप ही तो होते हैं। और अगर अपने आप को खराब करने लग गए तो एक जन्म नहीं अनेक जन्मों तक दुख भोगते चले जाओगे। इसलिए अगर सजाना है तो अपनी आत्मा को सजाओ, दुनिया में और कुछ सजाने के लिए इतना है भी नहीं। और इसको सजाने के लिए आपको कोई अलग से सामग्री लानी नहीं होती, आप अपने से बात तो करिए। साधना में एक, जब आत्म साधना चलती है तो उसमें यही नियम है, उसमें आपको आत्म संवाद करना सिखाया जाता है। वो क्या होती है? उसमें ये कहा जाता है कि आप हर पल खुद से बोलते हो, कुछ बात करते हो, किसी से बात कर रहे होते हैं ना जब आप, तो बड़े मजे की बात है कि जिससे आप बोल रहे हैं उससे बाहर तो बोलते दिखाई देते हैं, लेकिन एक लाइन आप अपने अंदर भी बोल रहे होते हैं, इसके बाद मैंने इसको क्या कहना है, और ये मुझे कह रहा है तो इससे सवाल क्या करना है, ये जो बोल रहा है इसकी बात पर भरोसा करूं या नहीं करूं, सब आपके अंदर बातचीत चल रही होती है।
आत्म साधना में ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है, उसमें यह कहा जाता है कि आपके अंदर की वार्ता जो चलती है उसमें 80% 80% नकारात्मक वार्ता होती है, उसे पॉजिटिव बना लीजिए, बस आपकी जिंदगी कीमती हो जाएगी। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, उसे सकारात्मक बना लीजिए, आपका व्यक्तित्व तो बदल जाएगा। और इसी की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि यहां ये बताने का इस समय विषय नहीं है, विषय और चल रहा है। विषय चल रहा है कि धैर्य पूर्वक स्वयं को नियंत्रित करें, जो प्रभु की ओर आना चाहता है, आध्यात्मिक प्रगति करना चाहता है, ईश्वर की कृपा का पात्र बनना चाहता है, उसे हर दिन अपने आप को धैर्य पूर्वक नियंत्रण करना चाहिए, अपनी इंद्रियों पर, अपनी सोच पर। शब्दादीन विषयांश त्यक्त्वा, भगवान ने कहा ये शब्द आदि जो विषय हैं इनको छोड़कर, मतलब पांच विषय, कानों से जो सुनना पसंद आता है आपको, उसमें ऐसा कोई संगीत जो विषय वासना में ले जाए, ऐसा कोई रूप, दृश्य, चित्र, पिक्चर, कुछ भी जिसे देख देख कर आप और नीचे जाएं, नीचे गिरें, ऐसा कोई स्पर्श जो आपको विचलित करता हो, ऐसी कोई गंध सुगंध जो आपको भरमाए, और ऐसा कोई स्वाद जो आपको चंचलता से जोड़ दे। अब उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको संकेत में समझें तो अच्छा, लेकिन फिर भी अगर आप समझ नहीं चाहते हैं तो ऐसे सोच लीजिए कि कोई आपके सामने चर्चा करे, पानी पूरी, भेलपूरी, चाट पापड़ी की, और उसमें वो पूरा वर्णन करे कि इस तरह से वो चाट में मिर्च मसाला डाले, ऐसे खट्टी मीठी चटनी डाले, ऐसे उसमें ये आलू, ये सारी चीज़ें ऐसे मिलाए, फिर उसमें दही बड़ा वगैरह सब डालकर, जो भी होता होगा मुझे तो इतना पूरा पता भी नहीं, मैं तो सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ आपको, और फिर उसको ऐसे हिलाए मिक्स करने के लिए, और फिर उसके बाद मिर्चें डालकर, और किसी से कहे कि जरा चक्के बताना सब ठीक है या कुछ और डालना है, और जो बराबर में खड़ा हुआ व्यक्ति है उसकी हालत देखना, फिर आप क्या मन करेगा, भाई साहब मैं चक्के बताऊं क्या। ये एक चर्चा चल रही है, यहां कोई कुछ खिला नहीं रहा, एक चर्चा चलते चलते आप विचलित होते हैं कि ऐसे ही जितनी भी दुनिया भर की चीजें हैं जो आपको विचलित करती हो, कि बस वहां आप खुद को कंट्रोल कर ले जाएं। इसको हमारे देश के ऋषियों ने एक ढंग दिया जिसको आप अपने यहां व्रतों में प्रयोग करते हैं, उपवास में प्रयोग करते हैं, कि स्वाद जीतिए, मन को मजबूत बनाइए, खुद के नियंत्रण को प्रबल बनाइए, क्योंकि जिंदगी में जीतने के लिए शक्तिमान होना बहुत जरूरी है। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा संग्राम आएगा जिसमें दुनिया भर की शक्तियां एक और लगी हुई होंगी और बहुत थोड़े से लोग तुम्हारे साथ होंगे, और उस अवस्था में तुम्हें सफल होने के लिए बौद्धिक शक्ति भी चाहिए, शारीरिक बल भी चाहिए, और तो और शस्त्र बल भी चाहिए, और इससे भी ज्यादा
कृपा बल चाहिए, कृपा बल। अब अर्जुन कहता क्या करूं इसके लिए, तो भगवान कृष्ण ने कहा हिमालय में जाओ और एक वर्ष कम से कम तप करो। तप की शुरुआत कैसे होगी? बोले ये सारे विषय जितने भी हैं ना, सबसे पहले इन पर नियंत्रण लगाना। कहां से शुरू करूं? बोले जीभ से। जीभ के स्वाद पर नियंत्रण लगाना। फिर दूसरा करना नपातुला बोलना, कम से कम बोलने में काम चल जाए। अपने मौन को धारण करते करते अपनी शांति में आना। तरह तरह के तप करने पड़ेंगे और फिर कोशिश करना कि शिव प्रसन्न हो जाएं। तो शिव आराधना के लिए अर्जुन बैठ गए। नव जीवन साधना, क्या नकारात्मक विचारों को मन में आने ही न दें? ये हमारे वश में है क्या? तनाव की जड़ें मन में उपजेंगी ही नहीं। अगर निरंतर ध्यान साधना को जीवन में शामिल कर लिया जाए, आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अनुभूति के साथ क्या सांसारिक जगत में भी प्रसन्नता, सफलता, संबंधों में आत्मीयता, धन ऐश्वर्य का सपना सच करती है नवजीवन साधना? तो इसका जवाब है हाँ। इस कल्पना को साकार रूप देने का संकल्प है गुरुवर श्री सुधांशु जी महाराज व श्रद्धेय अर्चिका दीदी द्वारा। भक्तों को ध्यान साधना की एक और अनुपम भेंट नवजीवन साधना।